तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला और कहा है कि विनोद सिंह का चैट सरकार के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा दस्तावेज है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने और क्या क्या सारी बातें भी कही हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को बयान जारी कर एक बार फिर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को ईडी के द्वारा न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जो हैं वो जमा किए गए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी मित्र व आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल चैट का प्रिंटआउट जमा करते हुए ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन पर लगने वाले सारे आरोप की परतें जो है वो खुल रही हैं। यह चैट अपने आप में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। श्री मरांडी ने कहा है कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी कि बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं हुई है, आज वह आशंका सच में बदल गई। जहां पर जब विनोद सिंह के साथ यहां पर हेमंत सोरेन की चैट में बेरोजगार युवकों के एडमिट कार्ड की प्रति है, चैट में कई गोपनीय दस्तावेज का भी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने राज्य को चौतरफा लूटा है, जल जंगल जमीन तो लूटा ही, मांड भात खाकर परीक्षा की तैयारी में जुटे बेरोजगारों के अरमानों उम्मीदों को भी लूटा है, उनकी हत्या की है। कहा है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन को युवाओं की आह लगेगी, यानी कि उनकी हाई लगने वाली है बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने कहा है कि विनोद सिंह के चैट में ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार भी उजागर हुआ है। विनोद के घर से बड़ी संख्या में बेरोजगारों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं जिनसे पैसे लेकर नौकरी दिलवानी थी। इसके अतिरिक्त भानु प्रताप के भी चैट उजागर हुए हैं जो हेमंत सोरेन को यहां पर बरियातु स्थित 8.5 एकड़ जमीन को उसके नाम कराने में भी सहभागी हैं। कहा है कि जैसे जैसे जो पूछताछ है वो बढ़ेगी, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो उजागर होते जाएंगे। हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार दुनिया के सामने भ्रष्टाचार का नया अवतार साबित होगा। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।